नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता, कहा प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द एक्शन लेने की जरूरत। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में साल भर में 3000 होती हैं मौतें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फर्रुखाबाद चुनावी जनसभा में सीएम अखिलेश और मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी में चुनाव के लिए सीएम चेहरा देने की हिम्मत नहीं, मुसलमान अपना वोट एसपी को देकर बर्बाद ना करें। मुलायम ने फिर लिया यू टर्न, कहा गठबंधन के लिए करेंगे चुनाव, 11 फरवरी को जसवंत नगर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। शिवपाल पर कहा कोई भी नहीं है नाराज, शिवपाल ने गुस्से में कही अलग पार्टी बनाने की बात, पार्टी नहीं बनाएंगे शिवपाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 39,000 करोड़ की एम्बे वैली संपत्ति को जब्त करने का दिया आदेश। कोर्ट ने सहारा से संपत्तियों की मांगी लिस्ट, जिन पर नहीं है कोई विवाद, 20 फरवरी तक लिस्ट देने के आदेश, तब तक नहीं भेजे जाएंगे जेल। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान एलिस्टर कुक ने कप्तानी से दिया इस्तीफा, भारत में टेस्ट से हार के बाद कप्तानी छोड़ने का था दबाव, बल्लेबाज जो रूट संभाल सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम की कमान। और चीन ने किया खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल DF-16 का परीक्षण, मिसाइल में भारत जापान और अमेरिका तक सीधा हमला करने की यह क्षमता, चीन ने वीडियो जारी कर दिखाई अपनी सैन्य ताकत। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।